रमित सेठी एक व्यक्तिगत वित्त सलाहकार, उद्यमी और बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस बुक आई विल टीच यू टू बी रिच के लेखक हैं। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। लोग मामूली मुद्दों पर बहस करना पसंद करते हैं, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उन्हें वास्तव में कुछ भी करने से मुक्त करता है। अमीर बनने का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक शुरुआत करना है, कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति होना नहीं। दौलत का आकलन इस बात से नहीं होता कि वे हर साल कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उन्होंने समय के साथ कैसे बचत और निवेश किया है। कोई भी अमीर हो सकता है, यह सिर्फ एक सवाल है कि आपके लिए अमीर क्या मायने रखता है। धनवान बनने के लिए आपको व्यक्तिगत वित्त के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। 85% समाधान एक विशेषज्ञ बनने की तुलना में आरंभ करना अधिक महत्वपूर्ण है। शोध करने में काफी समय खर्च करने की तुलना में आरंभ करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जिसका आप सम्मान करते हैं, तो उसकी फुसफुसाहट को चीख की तरह व्यवहार करें। युवा सही आदतें विकसित करने के बारे में है, मूल रूप से अधिक धन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। आप अधिक कमा सकते हैं या आप कम खर्च कर सकते हैं। लागत में कटौती करना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से बढ़ती हुई कमाई बहुत अधिक मजेदार लगती है। क्रेडिट कार्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का हर महीने पूरा भुगतान करें। अमीर लोगों और बाकी सभी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अमीर लोग योजना बनाने की जरूरत से पहले योजना बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सशक्त हो, चाहे आपने जीवन में कहीं से भी शुरुआत की हो। मुझे उन लोगों के लिए बहुत सहानुभूति नहीं है जो जीवन में अपनी स्थिति के बारे में शिकायत करते हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अमीर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वो है जल्दी शुरुआत करना। प्रत्येक विफलता में मूल्यवान डेटा होता है जो आपको सही दिशा में इंगित करेगा। अगर मुझे महीने में कम से कम 4 या 5 असफलताएं नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा हूं। प्रतीक्षा मत करो। यदि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, तो यह सप्ताहांत शुरू करने का एक अच्छा समय है। सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से कहते हैं वह यह है कि हमें सफल होने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। आप कितना कम कर सकते हैं इसकी एक सीमा है, लेकिन आप कितना कमा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत अधिक जानकारी के साथ हम कुछ नहीं करते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं आपको आज अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? आप अपने धन का क्या करना चाहते हैं? अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो अधिक प्रयास ना करें या अधिक ना करें, कुछ अलग करें। निर्णायक होने पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और सही निर्णय की कोशिश करने पर कम ध्यान दें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप कभी नहीं जान पाएंगे, और अगर आप गलत हैं तो आप हमेशा दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते जो अपने भले के लिए बहुत होशियार है। लोगों के पास अपने पैसे का प्रबंधन ना करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ मान्य है, लेकिन
उनमें से अधिकांश ने आलस्य के लिए या शोध पर 10 मिनट खर्च न करने के बहाने खराब तरीके से छिपाए हैं। अपने पैसे का प्रबंधन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक बार में एक कदम बढ़ाया जाए और परिपूर्ण होने की चिंता ना करें। हम जानते हैं कि अमीर होना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे आसपास के अधिकांश लोगों के पास पैसे के बारे में मजबूत राय है, फिर भी अपने स्वयं के साथ अनजान है। औसतन करोड़पति हर साल अपनी घरेलू आय का 20% निवेश करते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।